हेलो दोस्तों, आपने अपने घर में ये देखा होगा कि घर के बड़े लोग खीरे को खाने से पहले काटकर घिसते हैं ताकि उसका जहर या कड़वापन निकल जाए। पर क्या ऐसा सच में होता है? आइए इस बात की सच्चाई को जानें। आप देख रहे हैं फैक्ट जीनी। आइए पहले ये जानते हैं कि खीरे में कड़वाहट आ कैसे जाती है। खीरे की कड़वाहट एक जहरीले पदार्थ की वजह से होती है जिसे कुकुरबिटासिन कहा जाता है, जो खीरे के साथ साथ ककड़ी और करेले में भी कड़वाहट का कारण होती है। ये कड़वापन वैसे तो पत्तियों, जड़ों और तने में होता है, पर कभी कभी फल तक भी पहुंच जाता है। लेकिन इसकी मात्रा तने के अंत में पाए जाने की अधिक संभावना होती है और बहुत मुश्किल से ही ये फल के केंद्र तक जा पाता है। खीरे की कड़वाहट का एक और बड़ा कारण होता है, बहुत गर्मी और कम पानी भी इस कड़वाहट को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, अब हमें पता चल गया है कि कड़वाहट आती कैसे है। पर क्या खीरे को काटकर रगड़ने से उसकी कड़वाहट चली जाती है? जवाब है हाँ। खीरे के सिरों को काटने से अब जहरीले पदार्थ कुकुरबिटासिन को बाकी के खीरे को कड़वा करने की संभावना कई हद तक कम कर सकते हैं। खीरे के एक सिरे को काटकर बाकी के खीरे से रगड़ने पर एक दूधिया सा पदार्थ निकलता है जिसमें कुकुरबिटासिन जहर होता है, जो कि आपके खीरे को कड़वा बनाता है। यह जानना भी जरूरी है कि खीरे को एक विशेष छोर से काटना पड़ता है। वो छोर जो खीरे को तने से जोड़ता है, उस छोर को ही काटना चाहिए। अगर आपको वो छोर नहीं दिख रहा, तो जो छोर दूसरे से ज्यादा गाढ़ा हरा है, उस छोर को काटना चाहिए। दूसरे छोर को काटकर रगड़ने से खीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका खीरा बहुत ही ज्यादा कड़वा है, तो उसे घिसकर भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप खीरे को तकरीबन आधा काटकर फेंक दें, क्योंकि इस जहर के तने से बीच में फैलने की संभावना कई हद तक कम होती है। तो दोस्तों, अब आपको खीरे का राज पता ही चल गया है, तो अभी जाकर एक खीरा काट के खाएं और तरोताजा हो जाएं। पर जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।